जेडीयू में नागरिकता संशोधन कानून पर सवाल उठाने वाले और सार्वजनिक रूप से चिट्ठी लिखकर जवाब मांगने वाले पवन वर्मा को नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि जहां चाहो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीए के पक्ष में स्टैंड को जेडीयू के महासचिव पवन वर्मा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर लगातार सार्वजनिक रूप से आलोचना करते आ रहे हैं, लेकिन पवन वर्मा ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर हद ही कर दिया तो नीतीश कुमार ने उन्हें टकाटक जवाब दे दिया। पवन वर्मा को दिया गया नीतीश कुमार का जवाब एक तरह से प्रशांत किशोर के लिए एक चेतावनी है कि पार्टी में रहकर पार्टी की आलोचना कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीए को लेकर जेडीयू के स्टैंड के खिलाफ सिर्फ ये दो ही नहीं बल्कि कुछ और नेता भी हैं। नीतीश कुमार ने सबको एक तरह से पार्टी छोड़कर जाने को कह दिया है। अगर वे नहीं जाएंगे और इसी तरह सार्वजनिक रूप से टिप्पणियां करेंगे तो उन्हें पार्टी से निकालकर बाहर किया जा सकता है। पवन वर्मा को चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि वे किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस तरह के बयान हैरान करने वाले हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा रुख साफ है, इसलिए कुछ लोगों के बयान पर मत जाइए। मैं किसी के बयान से प्रभावित नहीं होता हूं। असल में पवन वर्मा ने सीएए और एनपीआर के अलावा दिल्ली में बीजेपी के साथ हुए चुनावी गठबंधन पर नीतीश कुमार से विस्तृत बयान देने को कहा था। नीतीश को लिखे पत्र में पवन वर्मा ने बीजेपी के साथ गठबंधन पर सवाल खड़े किए थे। नीतीश को लिखे पत्र को पवन वर्मा ने ट्वीट पर साझा किया और लिखा कि लेटर के माध्यम से मैंने पूछा कि विभाजनकारी सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी आक्रोश के बावजूद जेडीयू ने बीजेपी के साथ दिल्ली में गठबंधन क्यों किया। माना जा रहा है कि पवन वर्मा प्रशांत किशोर के एक मोहरा भर है। दिल्ली में प्रशांत किशोर ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी का ठेका ले रखा है, इसी वजह से नीतीश कुमार ने उन्हें चुनाव प्रचार से हटा दिया। दिल्ली में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन से प्रशांत किशोर को लगा कि कहीं ना कहीं इसका नुकसान केजरीवाल को होगा। यही वजह है कि पवन वर्मा गठबंधन की घोषणा होते ही उछलने लगे। पवन वर्मा वही नेता हैं जिन्होंने प्रशांत किशोर के जेडीयू में आने का साथ दिया था, जबकि पार्टी के कई नेता प्रशांत किशोर के खिलाफ थे। अब पवन वर्मा एक बार फिर प्रशांत किशोर से अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।